बागलकोट के इलकल से एक बड़ी खबर आ रही है। इलकल में एक प्रोग्राम को रोक लगाने पर हंगामा चल रहा है। यहाँ सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म समावेश यानी मुख्तलिफ मजहब के लोगों को मिलाकर एक समावेश यानी एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला था। इलकल के चौराहे पर यह बहुत बड़ा प्रोग्राम होना था जिसकी परमिशन पुलिस ने दे रखी थी, लेकिन अचानक कल उन्होंने इस परमिशन को कैंसिल कर दिया और इस प्रोग्राम को और यहाँ रैली करने पर रोक लगा दी। आज सुबह से लोग जमा हो गए और वहाँ के साबिक एमएलए विजय आनंद काश्यप नवर की सदारत में एहतजाज करने लगे। यहाँ के लोगों का कहना है कि सर्वधर्म सम्मेलन में तमाम मजहब के लोग शामिल थे, जिसमें 52 स्वामी और 3 उलमा यानी मुर्शद इकराम भी इसमें शामिल थे। ऐसे में पुलिस ने सिर्फ टीपू सुल्तान का जिक्र होने की वजह से यानी अम्बेडकर, महात्मा गांधी और दिगर मुल्क के रहनुमाओं का नाम के साथ में टीपू सुल्तान का भी नाम लिया गया था इस प्रोग्राम के लिए, जिसमें उनकी योम पैदाइश भी मनाई जा रही थी। ऐसे में टीपू सुल्तान का जिक्र होने की वजह से इस प्रोग्राम को रोकने की खबर जो है सामने आ रही है, लेकिन पुलिस की तरफ से अभी बाजाब्ता तौर पर कोई बयान नहीं आया है। लेकिन विजयानंद काश्यप नौर का कहना है कि इनका जो प्रोग्राम है वो सर्वधर्म सम्मेलन है, यानी तमाम मजहब को लेकर चलने वाला वो प्रोग्राम था और आखिरी मोमेंट में उन्होंने इस प्रोग्राम पर पाबंदी लगाई है। उनका कहना है कि वो प्रोग्राम करके ही रहेंगे और इन्हें इजाज़त देना ही पड़ेगा। तो ये एहतजाज करते हुए आप देख सकते हैं विजयानंद काश्यप नवर और यहाँ के सर्वधर्म सम्मेलन यानी सर्वधर्म का जो प्रोग्राम होने वाला था उसके जिम्मेदारान और मुख्तलिफ मजहब के लोग जो हैं रास्ते पर आ गए हैं, रोड पर एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं क्या हालात है, किस तरह से यहाँ का माहौल है। आप देख सकते हैं पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो देखने में आ रहा है। लोगों का कहना है कि सर्वधर्म सम्मेलन के जैसे प्रोग्रामों को भी रोक लगाना बहुत ही गलत बात है। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶಹರ ಇಳಕಲ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ ಮೇಲೆ ಕಡೆ ದೇಖಾಗಾ ಐಸಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರಖಾ ಗಯಾ ಥಾ ಜಿಸ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಔರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಕೆ ತಮಾಮ್ ಮಜಾಹಿದ್ ಕೆ ರಹನುಮಾ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷ ತಸರೀ ಫರ್ಮಾ ರಹೆ ಉಸಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಆಜಾದಿ ಕೆ ಉನ್ ತಮಾಮ್ ಮುಜಾಹಿದೋ ಕೋ ಭಿ ತಹನಿಯತ್ ಪೇಶ್ ಕಿ ಜಾ ರಹಿ ಹೈ इसे प्रोग्राम का रोकने की कोशिश की जा रही है। 22 तारीख को तहसीलदार जाने की तरफ से हम लोगों ने परमिशन लिया था, मगर कल रात में तहसीलदार ने अचानक परमिशन कैंसिल करके ये प्रोग्राम रोकने की कोशिश की है। ये प्रोग्राम किसी वाहिद शख्सियत या कोई पॉलिटिकल पार्टी या किसी और का नहीं है, सिर्फ तमाम बैनल मजाहिद प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम को कामयाब करना तमाम की मदद चाहिए, ये प्रोग्राम बल के ही रहेगा। ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಉನಗುಂದ ಮತ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರದ್ದತಿ ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಏನು ಮಾನ್ಯ ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್